वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और हम लोग विमेंस वेडनेसडे बना रहे हैं आज हमारे शो पर, जो कि हर हफ्ते हम एक खास पेशकश लेकर आते हैं और अब इसी पेशकश को हम आगे बढ़ाएंगे। और विमेंस वेडनेसडे में अब बात करेंगे महिलाओं के इंश्योरेंस के बारे में। क्या इंश्योरेंस कवर्स को लेकर महिलाओं के पास कोई अलग विकल्प है? किस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज या इंश्योरेंस कवर्स महिलाओं को बिना भूले बिना कोताही बरते अपने पास रख लेनी चाहिए, खरीद लेनी चाहिए, इसी पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। हर्षवर्धन रुंगटा सीएफपी रुंगटा सिक्योरिटीज मेरे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। विमेंस वेडनेसडे हम बना रहे हैं और ओवरऑल जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, एक तो फाइनेंशियल प्लानिंग कभी भी जेंडर बायस्ड होती नहीं है। पुरुषों के लिए अलग निवेश के विकल्प हो, महिलाओं के लिए अलग से निवेश के विकल्प हो, ऐसा नहीं होता है। हाँ, दोनों की अप्रोच और माइंडसेट इन्वेस्टमेंट्स को लेकर अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब बात आती है इंश्योरेंस की, क्या इंश्योरेंस भी ऐसा ही है? कोई खास फर्क नहीं है पुरुषों के लिए इंश्योरेंस और महिलाओं के लिए इंश्योरेंस की अनिवार्यता को लेकर? वेल, देखिए कविता, जो आपने एकदम एकदम सही कहा कि अगर हम मेल और फीमेल या मेन या वुमेन की अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो बेसिस सेम रहता है, जो कॉन्सेप्चुअली आपके जो रिक्वायरमेंट्स है वो सेम रहेंगी, लेकिन आपके प्रोडक्ट थोड़े फर्क पड़ सकते हैं। जहां तक हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, सो इंश्योरेंस में ये जरूरी है समझना कि ये इंश्योरेंस एक फर्स्ट स्टेप है फाइनेंशियल प्लानिंग का। जब तक आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट की प्लानिंग ठीक से नहीं कर रखी है, आप फ्यूचर की वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचना एक्चुअली गलत है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है कि आप अपना इंश्योरेंस करें, आप मेल हो या फीमेल हो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। लेकिन क्योंकि हम फीमेल्स की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो वुमेन स्पेसिफिक हमें ये पता है कि थोड़ी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस जो है वो थोड़ी ज्यादा होती है, इन टर्म्स ऑफ कैंसर, इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी रिलेटेड या कोई भी गायनोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। सो ये अच्छी बात है कि हमारे पास ये कस्टमाइज पॉलिसीज हैं, कस्टमाइज इंश्योरेंस सॉल्यूशंस हैं जो इन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को या हायर रिस्क को कवर करती हैं। सो मैं ये कहूंगा कि कोई भी महिला है, आप अगर गेनफुली एम्प्लॉयड हैं, विच मीन्स आप कहीं पे नौकरी कर रही हैं या कोई इनकम जनरेट कर रही हैं, या आप एक थैंकफुली या थैंकलेसली एम्प्लॉयड हैं, विच मीन्स अगर आप एक होम मेकर हैं, सो इन एनी केस आपको तीन तरह की इंश्योरेंसेज हैं जो तो आपको पक्का लेनी है। तो पहली है जो हम बात करते हैं वो है मेडिक्लेम। सो मेडिक्लेम बेसिकली वो है जो हम हॉस्पिटलाइजेशन, जो आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है, जो एक्चुअल खर्चे होते हैं, वो आप रीइंबर्समेंट लेते हैं, कैशलेस बेसिस पे लेते हैं, तो वो बेसिकली इंडेमनिटी पॉलिसी के नाम पे आती है। तो पहली पॉलिसी जो आपको लेनी है वो है मेडिक्लेम। दूसरी आपको जो लेनी है वो है क्रिटिकल इलनेस। सो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी थोड़ी मेडिक्लेम से अलग है, वो हेल्थ रिलेटेड जरूर है लेकिन उसके फायदे या उसके पेमेंट्स जैसे होता है वो अलग तरीके से होता है, तो मैं आगे जाते हुए आपको बता दूंगा। और तीसरी जो आपको लेनी है वो है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। सो बेसिकली अगर एक्सीडेंट की वजह से कुछ अगर लॉस ऑफ इनकम है या कोई नुकसान है तो उसका भुगतान। और अगर आप गेनफुली एम्प्लॉयड हैं, जैसे आप खुद से इनकम जनरेट करते हैं कहीं पे या तो काम करके या प्रोफेशन या बिजनेस करके, तो आपको एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लेनी है, ताकि क्योंकि जो इनकम आप जनरेट कर रही हैं, अगर आप नहीं रहे तो आपके परिवार को उसका कॉम्पनसेशन हो। अभी अगर हम उन तीन पॉलिसीज पे जाएं जो मैं पहले बात कर रहा, मेडिक्लेम हो गया, क्रिटिकल इलनेस और पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी की हम बात करें, तो इसमें हम थोड़ा डिटेल में जाके समझेंगे कि फर्क क्या है और कैसे हमें फर्क देखना है। तो एक है कि जो मेडिकल कवर है, जो हॉस्पिटलाइजेशन कवर है, जो बेसिक कवर्स हैं वो मेल फीमेल के सबके लिए सेम है कि भाई आपको अगर कोई बीमारी होती है और पॉलिसी के टर्म्स में कवर्ड है, आप हॉस्पिटलाइजेशन होता है आपका 24 आवर्स का, तो जो आपका एक्चुअल एक्सपेंस है, जो आपका खर्चा हुआ है, वो आपको रीइंबर्समेंट या कैशलेस बेसिस पर मिल जाएगा। इसके अलावा एड ऑन कवर्स आते हैं जो विमेन स्पेसिफिक एलिमेंट्स को या उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करती हैं। तो एक एड ऑन जो आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी पॉलिसी में अगर आपके लिए लागू होता है, तो वो है मटर्निटी कवर। मटर्निटी कवर ऐसा है कि आपका जब आप पॉलिसी लेते हैं उसके 1 से 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है, अलग कंपनियों के अलग वेटिंग पीरियड होते हैं, लेकिन टिपिकली 1 to 3 years का वेटिंग पीरियड होता है। और आपको जो कवरेज है उसमें वो 50,000 to 1 lakh रुपीज तक का मिलता है, विच मीन्स कि कोई भी मटर्निटी रिलेटेड एक्सपेंसेज है, चाइल्ड बर्थ रिलेटेड एक्सपेंसेज है, हॉस्पिटलाइजेशन का, वो आपको कवरेज अप टू 50,000 to 1 lakh रुपीज मिलेगा। दूसरा आपको देखना है कि आपका न्यू बॉर्न बेबी कवर, विच मीन्स कि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब बच्चा पैदा होता है, तो वो ऑटोमेटिकली पॉलिसी में एक सर्टेन लिमिट के लिए कवर हो जाते हैं। सो ये एक अच्छा कवर है जो आपके न्यू बॉर्न बेबी को कवर करता है, जिसमें आपके जो कॉम्प्लिकेशन अगर बर्थ पे चाइल्ड को होते हैं तो वो भी आपको कवरेज मिलता है। तीसरा आपको देखना है कि IVF, सो अगर कोई कारण से IVF ट्रीटमेंट लेके आपको अपना परिवार बनाना है,
तो वो कवरेज भी, वेटिंग पीरियड ऑफ 3 इयर्स के बाद में वो कवरेज भी आता है। सो ये आपको देखना है कि भाई ये मेरे लिए लागू होता है कि नहीं, और ये एड ऑन के रूप में आप अपनी पॉलिसी में ले सकते हैं। गायनोलॉजिकल फ्री कंसल्टेशन होते हैं जो आपकी पॉलिसी में एक विमेन पॉलिसी होल्डर्स को देती हैं कंपनियां, अगर आपको कस्टमाइज करके देने। सो जो हम बात कर रहे हैं कि विमेन स्पेसिफिक पॉलिसीज में आपको किन बातों का ध्यान रख के अगर आपके लागू होता है तो आपको लेना है। फिर सरोगेसी कवर ऑफ कोर्स है कि अगर सरोगेसी रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस हैं तो आप भी कवर कर सकते हैं। सो मेडिक्लेम में एसेंशियली जैसे मैंने कहा कि जो बेसिक कवरेज है, जो स्टैंडर्ड कवरेजेस हैं, जो आपके खर्चे, जो हेल्थ रिलेटेड ट्रीटमेंट का पैसा देते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, तो हर्ष ये वो तो आपको बेसिक लेना है। कवर्स, प्लस बेसिक कवर्स तो मेरे ख्याल से सेम ही होंगे, लेकिन अब जैसे कि आपने सरोगेसी, IVF और बाकी जो महिला कॉम्प्लिकेशंस का जिक्र भी किया है, ये आप अपनी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी पर एक राइडर के तहत ले सकती हैं, या ये अलग पॉलिसीज की तरह भी बेची जाती हैं, क्योंकि क्योंकि इन सब चीज़ों को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, देखिए बाजार में इन सब चीज़ों को लेकर डिमांड भी बढ़ रही है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनियों ने अलग से कवर जो इस तरह के फीचर्स के साथ आते हैं प्रदान करने शुरू कर दिए हैं? अगर कर दिए हैं तो कितने महंगे हैं? अगर राइडर के तौर पर लेना है तो कितना महंगा होगा? तो यस, एब्सोल्युटली राइट। तो आपने जो कहा कविता कि दो ऑप्शंस हैं, तो एक है कि आपकी जो मेडिकल पॉलिसीज हैं उसमें आप एड ऑन के रूप में अपना कवर बढ़ा सकते हैं। सो ये कंपनी ने एक पर्टिकुलर पॉलिसी निकाली है जो सबके लिए स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर आप ऐसी कोई एज ब्रैकेट में है, ऐसी लाइफ सिचुएशन में है कि आपकी मेटर्निटी बेनिफिट आपको दिखता है कि 1-2 साल या 3 साल में आपको चाहिएगा तो आप लेंगे। अगर आप ऐसी उम्र में हैं जहां पे आपको चाइल्ड, आप फैमिली और आगे बढ़ाने की नहीं सोच रहे तो मेटर्निटी कवर, IVF, सरोगेसी आपके लिए कोई काम की नहीं है। तो ये एड ऑन के रूप में आती है। कई पॉलिसीज हैं जो कंपनीज ने विमेन सेंट्रिक बना के विमेन के लिए स्पेसिफिक दिया और उसमें ये इनबिल्ट है, तो आपको दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। और आपको ये देखना है जो मैंने एम्फोसाइज किया है कि हर बेनिफिट को समझिए और ये देखिए कि क्या आपके लिए लागू होता है। अगर लागू होता ही नहीं है तो देर इज नो पॉइंट लेके। सो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल एज राइडर एंड एज अ बंडल्ड प्रोडक्ट, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। मुझे बताइए कि क्या इंश्योरेंस पॉलिसीज में ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं, इस तरह के खर्चे, IVF, सरोगेसी और बाकी क्रिटिकल इलनेस जो कि महिला जुड़ी हुई हो और थोड़ा सा उसमें वेटिंग पीरियड होता है, कैसा भी कुछ है? जी हाँ, एब्सोल्युटली। तो अगर आप कोई भी एड ऑन कवर्स की बात करें, मान लीजिए मेटर्निटी की बात है या आपके IVF है, तो ये सारी पर जो है उनमें वेटिंग पीरियड होने ही वाला है, क्योंकि कंपनी ये नहीं चाहती कि आप इसे, आपके ऑलरेडी ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें आप यू नो मेटर्निटी या ऑलरेडी प्रेग्नेंट और आप फिर आप मेटर्निटी पॉलिसी ले, डजंट मेक सेंस, राइट? सो आप जब आपकी शादी हो जाए या आप उसके पहले 1-2-3 साल पहले आप ये डिसाइड करें कि ये पॉलिसी आपको अभी लेनी है ताकि जब आप फैमिली प्लान करें तब तक आपका वेटिंग पीरियड खत्म हो चुका हो। IVF का ट्रीटमेंट आपको अगर एप्लीकेबल है या आप उसका फायदा लेना चाहती हैं तो वो 3 साल के वेटिंग पीरियड के बाद आता है। तो आपको जितनी जल्दी हो पॉलिसी, आप जब यंग है, शादीशुदा नहीं है या शादी जस्ट हुई है तो उस समय आप ये पॉलिसीज प्लान करें ताकि जब तक वेटिंग पीरियड खत्म हो आप फैमिली स्टार्ट करने की सोच सकें। और अगर मैं बात करूं और कोई अगर स्टैंडर्ड बेनिफिट, अगर मान लीजिए ये गायनोलॉजिकल कंसल्टेशन है, कैंसर रिलेटेड है जो मैं क्रिटिकल इलनेस में ज्यादा कवर करना चाहूंगा, लेकिन ऐसी कोई विमेन स्पेसिफिक बीमारियां, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमें पता है कि विमेन आर ससेप्टेबल टू मोर गायनोलॉजिकल एंड हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, और उनका ध्यान रखना, उसके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज का ध्यान रखना ही यही एक बेसिकली इंश्योरेंस का पर्पस है। सो थोड़ा ध्यान देके अगर हम इंश्योरेंसेस प्लान करें तो आप अपनी इन फाइनेंशियल स्ट्रेस को डेफिनेटली थोड़ा ईज आउट कर पाएंगे। यहाँ पर जिस तरह से एटलीस्ट रिपोर्ट्स आती हैं हर्ष, यही सामने निकल कर आता है कि जो महिलाएं हैं वो अभी भी इंश्योरेंस लेने को लेकर बहुत जागरूक नहीं है। अगर घर में कोई मेल मेंबर है जो इसको ड्राइव कर रहा है उसके तहत तो वो कवर हो जाती हैं, वरना अकेले अगर खुद वो खुद अपनी बागडोर, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की बागडोर संभाल रही हैं तो इंश्योरेंस थोड़ा सा वीक एस्पेक्ट रह जाता है। लाइफ इंश्योरेंस को लेकर उन्हें क्या क्या कदम उठाने चाहिए? अब तक जो हमने बात की है वो हेल्थ की ओर ज़्यादा बातचीत की है, लाइफ को लेकर वो क्या क्या करें? तो वेल, लाइफ इंश्योरेंस का जैसे मैंने कहा कि अगर टर्म इंश्योरेंस की बात करें, देखिए वही एक तरीका है जिससे आप सही में एक इंश्योरेंस ले सकती हैं। सो टर्म इंश्योरेंस की प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप इनकम जनरेटिंग हो। सो आप अगर होम मेकर हैं तो आप इनकम, एक्सटर्नल इनकम जनरेट नहीं करती। जैसे मैंने कहा होम मेकर एक थैंकलेसली एम्प्लॉयड जॉब है कि आप एम्प्लॉयड तो है लेकिन आपको गेनफुली एम्प्लॉयड जॉब बोलते हैं कि पैसे नहीं आ रहे।
उनको अनफॉर्चुनेटली टर्म प्लान नहीं दिया जाता। आप कम पॉलिसी की बात करें कि भाई आप मुझे 10 लाख दे दीजिए, 15 लाख, 20 लाख की पॉलिसी दे दीजिए, वो भी अनफॉर्चुनेटली एक टर्म प्लान के रूप में नहीं मिलता है। जहां सेविंग्स बेस्ड पॉलिसी, जो एंडाउमेंट, होल लाइफ वगैरह, वो हम रेकमेंड नहीं करते कि भाई आप वो इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। तो आप अगर अगर टर्म प्लान लाइफ कवर की स्पेसिफिकली बात कर रही है, तो देन यू हैव टू अनफॉर्चुनेटली बी गेनफुली एम्प्लॉयड, जहां पे आपकी इनकम जनरेशन है, तभी जाके आपको टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। सो लाइफ इंश्योरेंस नहीं, लेकिन डेफिनेटली हेल्थ इंश्योरेंस के सेगमेंट में मेडिक्लेम है, क्रिटिकल इलनेस है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कवर है जिसमें गेनफुली एम्प्लॉयड होने की जरूरत नहीं है। सो वो हम डेफिनेटली बात भी कर सकते हैं और वो आप ले भी सकते हैं और लेना भी इनफैक्ट चाहिए। तो कमोबेश यहाँ पर हमने बताया कि कैसे महिलाओं के लिए अपने आप को सही इंश्योरेंस कवर से कवर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी कोई महिला दर्शक हैं जो कि चाहती हैं हमसे किसी भी तरह की सहायता, जहाँ पर आप ये चाहें कि हम फाइनेंशियली आपको गाइड करें, तो वुमेंस वेडनेसडे हम ये खास पेशकश लेकर आते हैं और हर हफ्ते हमारे साथ नए एक्सपर्ट्स होते हैं जो महिला फाइनेंशियल प्लानिंग और तमाम आर्थिक मोर्चे पर आपको किसी भी तरह की सहायता अगर चाहिए तो आपकी मदद करते हैं। अगर कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहती हैं तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकती हैं, और व्हाट्सएप के साथ साथ अगर आप हमें यूट्यूब पर देखती हैं तो यूट्यूब पर अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, और फेसबुक या एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भी हम लाइव जाते हैं, आप हमारे और हमारी टीम को संपर्क कर सकती हैं। और विमेंस वेडनेसडे हर बुधवार को हम एक खास पेशकश लेके आते हैं, आप इस शो का हिस्सा भी हो सकती हैं। अगर अपनी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को आप बनवाना चाहती हैं तो आप हमारे शो में शिरकत भी कर सकती हैं। चलिए,